आपसी चैन और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। पूरे देश में रही दशहरे की धूम, सोनकच्छ में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चों की मौत, महू में महिला के अंगों के टुकड़े करने वाले धराए, शस्त्र पूजन कर पुलिस विभाग में मना दशहरा। यूपी के खगड़िया जिले में माता की आराधना के अंतिम दिनों में माता भक्तों ने जमकर नवरात्रि का उत्साह मनाया। नवमी की रात सदर प्रखंड के हरदासचक परमानंदपुर खगड़िया में दुर्गा पूजा पर सांसद रेणु कुशवा मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोजन के दौरान बिहार के सुपरस्टार गायक बंशीधर चौधरी ने देर रात तक माता की आराधना में माहौल भक्तिमय बना दिया। वहीं गायिका मनीरमा सिंह ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। हजारों की संख्या में मौजूद माता भक्त भजन संध्या में जमकर झूमे। उक्त जानकारी देते हुए समिति के मुखिया जासू रानी ने बताया कि आयोजन समिति इस तरह के धार्मिक आयोजन सतत करती रहती है। खगड़िया से शमशेर बहादुर की रिपोर्ट। दशहरे पर शस्त्र पूजने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन हर घर में शस्त्रों की पूजा होती है। ऐसे में हमेशा शस्त्रों के साथ रहने वाली पुलिस भी शस्त्र पूजन में पीछे नहीं है। इंदौर के डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया, जिसमें इंदौर के समस्त आला अधिकारी शामिल हुए। दशहरे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक तरीके से शस्त्रों का पूजन किया गया, जिसमें इंदौर रेंज के एडीजी वरुण कपूर, एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र और तीनों एसपी ने हवन कर शस्त्रों का पूजन किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विजयदशमी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। ऐसे में पुलिस का प्रयास है कि वह बुरा काम करने वाले, देश विरोधी ताकतों और झगड़ा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करे। दशहरे पर हर बार शस्त्र पूजन के बाद अधिकारियों द्वारा हर्ष फायर किया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने हर्ष फायर किया। हमारी तरफ से, इंदौर पुलिस की तरफ से, जोन की, अरे संदीप पीछे हट जाओ, अरे सभी लोगों को अभी पानी पीना, दशहरा की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब ने मिलकर शस्त्रों की पूजा करी है परंपरा अनुसार, और माता से आह्वान किया है कि हमारे को पुलिस बल को, पुलिस जिला पुलिस को, हमारे पूरे क्षेत्र के पुलिस को शक्ति दे और साथ साथ शांति भी दे, ताकि हम अपना कर्तव्य, अपना कार्य सबसे अच्छी तरीके से निर्वहन कर सके। ऐसी हम सब ने मिलकर कामना करी है माँ से, और माँ हमारी सबकी कामना पूरी करेंगे, और ये हमें सब विश्वास है। इंदौर जिले के महू में बीती रात मुख्य बाजार में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक महू के बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की यह घटना हुई है। सूत्रों के अनुसार करिश्मा साड़ी सेल दुकान आग में पूरी तरह स्वाहा हो गई। वहीं पास में कलर पेंट की दुकान में भी लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ से करीब 7 किलोमीटर दूर माता प्रतिमा विसर्जित करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 बच्चों के डूबने से मौत हो गई, जबकि मौके से 3 बच्चे लापता हैं। सोनकच्छ तहसील के खजूरिया कनिका गांव में उस वक्त मातम का माहौल बन गया, जब नवरात्रि उत्सव के समापन के बाद दशहरे के दिन माता की प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचे 5 बच्चों की तलैया में डूबने से मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अन्य बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे की जानकारी के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस हृदय विदारक घटना के बाद छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को देवास जिले के सोनकच्छ से 7 किलोमीटर दूर हुए हादसे में मौत की आगोश में सोए सभी बच्चों की उम्र 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है, जिनमें 2 सगे भाई हैं। फिलहाल रेस्क्यू कर लापता बच्चों की तलैया में खोजबीन की जा रही है। वहीं मृत बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में मंगलवार को कंजरों के 2 गुट के विवाद के दौरान मारपीट की घटना को रोकने के लिए मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कंजर लड़ रहे थे। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी बीच बचाव में घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि खजराना क्षेत्र में दो गुटों द्वारा आपसी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात हो रही थी। तभी वहां से गुजर रहे खजराना CSP SK तोमर व कोतवाली CSP DPS परिहार ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों के विवाद को खत्म करना चाहा, लेकिन मारपीट की घटना में बीच बचाव करने के दौरान कोतवाली CSP घायल हो गए। हालांकि दोनों पुलिस के आला अधिकारियों के झगड़े में पहुंचने से कई जाने बच गई। पुलिस ने मौके से कंजर समुदाय के करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। मंगलवार की घटना से यह साबित हो गया है कि किस तरह आपराधिक तत्वों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, किंतु दोनों बहादुर पुलिस अधिकारियों की सकारात्मक कार्यप्रणाली के चलते कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। फिलहाल घायल पुलिस अधिकारियों का शहर के मुंबई हॉस्पिटल में इलाज जारी है। चौराहे से दो ग्रुप आपस में झगड़ रहे थे, बताया गया शायद साटिया परिवार है, जो कि अपने किसी मैटर को लेकर झगड़ रहे थे। काफ़ी बड़ा झगड़ा हो रहा था, तो हम और CSP परिवार वहाँ से जा रहे थे, तो हमने उनको रोक के नियंत्रण कर लिया था। लेकिन इसी दरमियान एक पत्थर कहीं से आया जो परिवार साथ के पर लगा है, जिससे उनको माइनर इंजरी आई। बाकी कार्रवाई थाना संबंधित थाने द्वारा की जाए। कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या किसी को प्रकरण दर्ज हुआ है? ये चीज़ तो थाना बलासिया बता पाएंगे। हमने तो थाना फेस ही दोनों गुट को अलग कर दिया था, क्योंकि इनको चोट आ गई थी। CSP साहब ने पुलिस को लगाया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धमनार गांव में विजयदशमी का पर्व एक अलग अंदाज में मनाया गया, जहां रावण के विशाल पुतले को न जलाया गया और न ही विच्छेद किया गया, बल्कि रावण के विशाल पुतले पर श्री राम की सेना द्वारा चढ़ाई कर नाक पर मुक्का मारकर रावण को अपमानित किया गया। गांव में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। गांव में रावण का विशाल पुतला बनाया गया, जिस पर श्री राम की सेना ने चढ़ाई की और अहंकारी रावण के पुतले की नाक पर मुक्के मारे और दो गुट बना जलती हुई टोकनी से युद्ध भी किया गया। इस तरह रावण को हरा कर उसे अपमानित किया गया, जिसके बाद श्री राम की विजय जुलूस बजी निकाला गया। बता दें कि रावण का ससुराल होने के कारण प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा भी होती है। इन आयोजनों को देखने के लिए दूर दूर से यहां लोग पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 100 न्यूज। बीती शाम पूरे देश में दशहरे की धूम रही। अलग अलग शहरों में परंपरा अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। इसी कड़ी में इंदौर शहर में भी सैकड़ों रावण के पुतले आतिशबाजी के साथ जलाए गए व लोगों ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वर्षों से चली आ रही परंपराओं को कायम रखते हुए शहर में सैकड़ों स्थानों पर रावण के पुतले आतिशबाजी के साथ दहन किए गए। एक तरफ जहां दशहरा मैदान पर हजारों लोग अहंकारी रावण के पुतले का सर्वनाश देख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चिमनबाग मैदान पर भी बड़ी संख्या में रावण दहन का जलसा देखने अपने बच्चों और परिवार के साथ लोग पहुंचे। वहीं विजयनगर, बाणगंगा, संगम नगर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर देर रात तक दशहरे का जन हुजूम देखा गया। बुराई पर जीत के पर्व विजयदशमी पर छोटों ने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इंदौर नगर निगम में आर्थिक तंगी के दिन आ गए हैं, जिसके चलते ठेकेदारों द्वारा हड़ताल की जा रही है। मंगलवार को नगर निगम में काम करने वाले ठेकेदारों ने नेहरू पार्क में मीटिंग रखी और हड़ताल कर काम बंद कर देने का फैसला लिया है। नंबर वन बने रहने की कवायद में पिछले 4 वर्षों के दौरान नगर निगम द्वारा पानी तरह पैसा बहाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब निगम में वेतन बांटने के लिए भी पैसे के लाले पड़ने की स्थिति बनने लगी है। निगम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य कराए गए, किंतु उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया, तो ठेकेदार हड़ताल पर चले गए। जानकारी के मुताबिक निगम के कोषालय में ठेकेदारों के 450 करोड़ रुपए के बिल भुगतान के लिए लंबित हैं और यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
विजयदशमी पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार भी पुलिस महकमे में धार के निरसपुर में शस्त्रों का पूजन किया गया। इस दौरान पुलिस के लगभग सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। धार के निरसपुर में विजयदशमी के पर्व पर हमेशा शस्त्रों के साथ रहने वाले पुलिस के अधिकारियों व सिपाहियों ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया। मंगलवार को दशहरे के पर्व मनाने के साथ ही शस्त्र का आयोजन 2 घंटे तक चला। कुछ दिन पूर्व इंदौर के महू में मिले महिला के अंगों के टुकड़ों के मामले में आखिरकार पुलिस ने हत्यारों को अपने शिकंजे में धर दबोचा है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करना कबूल किया है। इंदौर जिला SSP रुचिवर्धन मिश्र ने महू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों चंदन नगर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला रुखसार उर्फ रुखसाना उर्फ पूजा की भिवत्स हत्या कर दी गई थी। क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने अनूप पिता सत्यनारायण माहेश्वरी और साजिद लंगड़ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते महिला को अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। महिला की हत्या कर उसके अंगों को काट कर शहर की नालियों में बहा दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। किया उसके संबंध में भी आगे साक्ष्य संकलित किए गए हैं। इसमें जो घटनाक्रम सामने आया उसमें इन्होंने बताया कि 1 से 2 की दरमियानी रात में अनूप माहेश्वरी का जो घर है वहाँ पर ये इस महिला को ऊपर ले गए थे। ये महिला पूर्व से सादिक की परिचित थी और महू में ये उस रात में आई हुई थी। तो पहले सादिक और फिर उसके बाद अनूप माहेश्वरी, इन दोनों ने उसको अनूप के घर में ऊपर ले जा करके इसके साथ व्यभिचार किया और अनूप ने भी जब इसका प्रयास किया तो उस महिला ने मना किया और नहीं उसके मानने पर इन लोगों ने आपस में मिल करके उसके उसका गला दबा दिया, हत्या कर दी और बाद में सादिक ने उसमें उसको काटने के लिए, उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके लाश के टुकड़े किए और वहीं अनूप ने इन टुकड़ों को ले जा करके एक एक करके अलग अलग जगह पर फेंका ताकि कहीं भी इनको कनेक्ट नहीं किया जा सके, इस महिला की पहचान सामने नहीं आ सके और ये दोनों अपराध करके बड़ी आसानी से बच जाएं। लेकिन इसमें पूरा जो जन सहयोग महू का हमको मिला और लोगों ने जो इसमें सूचनाएं उपलब्ध कराई और पूरी टीम ने जिस तरीके से दिन रात इसमें मेहनत की उससे इस अत्यंत जघन्य सनसनीखेज अपराध का 72 घंटों के अंदर पूरा का पूरा उसमें खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे जो चीज़ें घटना के संबंध में बरामद हुई हैं उनको बतौर साक्ष्य इस केस के इन्वेस्टिगेशन में रखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को जघन्य और सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित कर लिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से प्रभारी अधिकारी, इसमें थाना प्रभारी महू को नियुक्त किया गया है ताकि जल्द से जल्द इसमें विवेचना की जा करके इसमें न्यायालय में पूरे पुख्ता साक्ष्य संकलित करते हुए और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उनको पुख्ता तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके और प्रकरण में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि इसमें जो DNA जांच है वो भी इसका एक हिस्सा रहेगी और उस सब के माध्यम से इसमें पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि इसमें न्यायालय में इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में हमारे सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ सब इंस्पेक्टर निकिता चौहान, रविंद्र पवार, सुखलाल दिवाकर, प्रधान आरक्षक केदार सिंह, आरक्षक नीरज यादव, नरेंद्र मंडलोई, श्याम विश्वकर्मा और विजय चौहान, इन सब ने मेहनत की है। मेहनत करने में टीम्स में अन्य लोग भी शामिल हैं। विशेष मेहनत में हमारे सभी जो महू के ऑफिसर्स और ये पूरी टीम ने इसमें काम किया है। इनको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है और सभी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और साथ ही इनको वरिष्ठ स्तर से भी इनाम के लिए अलग से प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। इस पूरे अपराध के खुलासे के लिए महू नगर की जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया ने जो पुलिस को सहयोग दिया है उसके लिए भी पुलिस की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर अंग्रेज के साथ।